गुरु साक्षात पर प्रभु दसवें श्री गुरुवे नमः। आज का जो शिविर आयोजन करने वाले दिनेश सौमित्र, सौमित्र दीवान और उनकी पत्नी का नाम सीमा दीवान, इन दोनों ने और उनके साथियों ने जो भी उनको सहायता किए हैं, ये जो विशिष्ट कार्य किया है उसके लिए वे प्रेम पात्र हैं। उसी के साथ आशीर्वाद के लायक भी हैं और उन्हें आशीर्वाद देना ही चाहिए। गुरु जी कहा करते थे कि इस संसार में तुम धन का दान दो खर्च हो जाएगा, वस्त्र का दान दो वस्त्र फट जाएगा, दूसरे कोई दान दो चला जाएगा, लेकिन शिविर एक ज्ञान दान है, ये कभी हटने वाला नहीं है। और जिसने शिविर किया उसके साथ दुनिया नर्क में नहीं जाएगी, ये गुरु जी का वचन था, मेरा नहीं। गुरु जी कहा करते थे जिसने शिविर किया उसके साथ दुनिया कभी नर्क में नहीं जाएंगे और वे स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे और गुरु चरणों में ही जाएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे याद है गुरु जी, पहली बार मैंने जब शिविर किया था तो गुरु ने यही बात कही थी, जो शिविर बाकी सब दान चले जाता है लेकिन शिविर में जो ज्ञान मिलता है, जो ज्ञान लेते हैं वो दान खर्च होने वाला नहीं है। और जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा, जितने लोग तुम लोगों को बोलेंगे उतनी मित्रता बढ़ेगी, शत्रुता घटेगी, इसलिए ज्ञान दान कहा गया है। मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि समस्त दीवान और उनकी अपनी सीमा दीवान और उनकी सभी फैमिली जो भी परिवारजन हैं, जो भी भाई बंधु हैं और जो भी मित्रगण हैं जिन्होंने इसमें अपने मन से सहायता की है, उन सभी को और विशेषतः दीवान जी को, समस्त दीवान और उनके परिवार को पूर्ण रूप से आशीर्वाद देता हूँ कि वे सामर्थ्यवान बने और ऐसे ही कार्य गुरुकार्य करते रहें, उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी ना हो, वो जो चाहे उनका अच्छा कार्य सारी सिद्धि प्रद हो, उनको सिद्धि प्राप्त करें, महामाया उनके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करें। और उनके इस क्षेत्र की जो उन्होंने कार्य किया है वो सराहनीय है और यहाँ सबसे जो लोग आए हैं वो पूर्ण आनंद के साथ उन्होंने ये जो अनुभव किया है, अकेले अपने दम पर करना शुरू किया बहुत बड़ी बात होती है और उन्हें ये करके बताया है, इसलिए धन्यवाद के प्राप्त अधिकारी है और वैसे ही आशीर्वाद के अधिकारी। मैं पुनः उन्हें आशीर्वाद देता हूँ उनके परिवारजनों को कि वे ऐसे ही कार्य करने के लिए सामर्थ्यवान हो, धन दौलत पैसा सब कुछ उनके पास हो और वे आशीर्वाद बने। अभी आशीर्वाद देता हूँ क्यों कि आज का दिन एक श्रेष्ठ दिन है। थोड़ी सी दो मिनट लेता हूँ, एक विशेषता की बात है। विशुद्धानंद जी नाम के एक सिद्धाश्रम के योगी हो गए, उनका आश्रम है विशुद्धानंद कानन काशी में, तो उनके पास एक बहुत बड़े साहूकार रोज आते थे और कहते थे कि प्रभु हमें दीक्षा दे। वे कहते थे कि टाल देते थे, आज गुरुवार है, आज रात हो गई, कल सुबह आओ, आज मैं तपस्या में हूँ, साधना में, उसको टालते जाते टालते टालते 6 महीने हो गए। लेकिन वो जब भी वो जो साहूकार आश्रम के बाहर आते देखते थे, वे पिया हुआ पेपर बहुत जोर से पीते हुए आता था, जोर से नमस्कार करता था, नाली में गिर जाता था, रोज यही काम उसका। और विशुद्धानंद जी रोज रात में गंगा के पास टहलने के लिए निकलते थे 10-10:30 तक। वो जब तक बाहर आते नहीं वो पिया हुआ वैसे आदमी दिखता था, वो जब आए एकदम साष्टांग नमस्कार करता था, अरे क्या हुआ, झंझने मुझे नहीं छीना, मैं पिया हुआ हूँ। उसको एक दिन देखा कि वो नाले में गिर गया और उसके सर से फट गया सर, तो उन्होंने कहा गुरु जी उसका सर फट गया है, उसका देखा ऐसा सब ने कहा, तो विशुद्धानंद जी बाहर आए, अरे बोले वो तू किसी डॉक्टर के पास चला जा, सब किया प्रभु पीए वाले को क्या मार लगता है, कुछ मार नहीं लगता उसको, इसका कोई प्रभाव भी नहीं होता उसके ऊपर। फिर दूसरे दिन वैसा ही आया, आकर वैसा ही नमस्कार करने लगा। तो ये जो उसके साथ साहूकार थे, प्रभु ऐसे लोगों को आप क्यों आने क्यों देते हैं, इसको नहीं आने के लिए कहो ना। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं आने के लिए कहूँ, तुम कहते हो तो मैं कह देता हूँ। उसने कहा अरे ये पी के रोज रोज आते हैं तमाशा, मतलब तू यहाँ से यहाँ नहीं आना। वो दूसरे दिन आया नाली में नहीं गिरा और वहाँ साष्टांग नमस्कार करते हुए कहा कि प्रभु आपने आज मुझे नहीं आने के लिए कहा है, मैंने पीना छोड़ दिया है। अब ये भी बात कहता हूँ कि मैं अभी आज से पीऊंगा नहीं, लेकिन एक बात कहूँ, सारे नशे में मैं इतना पीता था वो नशा अलग था, लेकिन बिना आपके पास है नहीं आगे रखता, क्योंकि इससे उस नशे से भी आपका नशा मुझे बहुत छाया हुआ है। बस मैं उस नशे के दिन में रात के 10 हो 12 हो आपके पास आके जाता था। वो दूसरे दिन आया और दूसरे दिन नमस्कार करने गया, देखते क्या है विशुद्धानंद जी पिया हुआ है। फिर बोले तेरे को अक्ल नहीं है, कितनी बार बोला नहीं पीना चाहिए, ऐसा पीने से तो ठीक नहीं होता, तूने फिर पिया है। प्रभु
उस न, ये नशा पीता हूँ तो ये नशा यहाँ पर खींच लाता, नहीं तो चल भी नहीं सकता। ये मेरी हालत है इसलिए पी के आ गया। सुल्तान जी बोल के हंसे हंस चले गए। साहूकार बोले देखा आपकी बात मैं नहीं मानता, लेकिन हुआ ये एक दिन रात में सिद्धार्थ जी बाहर किसी कारणवश बुखार हो गया था, बाहर नहीं निकले, 10 बजे सुबह तक नहीं निकले, और वो नाली में से पिया हुआ आया, उसी गेट के पास वैसा ही पड़ा था। सुबह जब लोग आए तो देखते क्या है, वो ऐसा ऐसा हुआ। बोले क्या है ऐसा था? बोले हमारे नशे वाले गुरु नहीं आए, वो नशा ने उतरा नहीं, जब तक वो आएंगे नहीं यहाँ से मैं जाऊँगा नहीं। अरे वो रात से नहीं है, रात उनको बुखार था इसलिए नहीं है, फिर आने दो ना, मैं कहा बोल रहा हूँ यहीं पड़ा हुआ। जब ये बात सिद्धार्थ जी को पता चले वो बाहर आए, बाहर है कि क्या है, छोड़ेगा नहीं ये सब। तो बोले ये जो साहूकार आपके पास आते हैं ये किस लिए आते हैं? बोले इनको दीक्षा चाहिए। दीक्षा का मतलब क्या होता है? मतलब दीक्षा का मतलब होता है तेरी रक्षा करना, ज्ञान को प्रदान करना। प्रभु इतने दिन से आ रहा हूँ, मैं कभी ज्ञान मांगा, कोई दीक्षा मांगा, कोई कुछ नहीं मांगा, मैं सिर्फ ये लोग तो मांगने के लिए आते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो आपके पास कुछ भी नहीं मांगूंगा, बस आपका दर्शन हो जाए मैं चला जाऊँ। तीसरे दिन आए, साहूकार बैठा हुआ था और सिद्धार्थ जी उसकी राह देख रहे थे, वो पी के कब आएगा। वो पी के आया और वहाँ घूमने ही वाला था, तो सिद्धार्थ ने अपने शिष्यों से कहा उसको लेके आओ, उसको लेके आए। बोले गुरु जी वो पी के बहुत बड़ा हुआ है, पी के है वो, उसको कैसा बोले तो लेके आओ। आए साहूकार पास में खड़ा था जो करोड़पति है, अब 6 महीने से घूम रहा था, और सिद्धानंद जी ने उस पियकर को दीक्षा दी और कहा वो आज से नहीं पिएगा, ये मेरा वादा है। और उस दिन जिस दिन आया वो चरणों में उनका चरण पकड़ लिया, दीक्षा जैसे ही दिया कहते हैं कि वो उनके चरणों में वहीं प्राण छोड़ दिया। उस दिन गुरुपर्व का स्थिति दिवस था और उस गुरु ने कहा कि ये मोक्ष को प्राप्त हो गया। इसको उसकी आज तक की तपस्या का सिद्ध हुई। कहते हैं कि इस दिन जो गुरु चरणों में अपना सर झुकाए, अपने आप अपना सब कुछ समर्पित कर दे, उसका उद्धार हो गया। आज मैं समस्त दीवान को और उनकी पत्नी को जिन्होंने समर्पण भाव से सब किया है उनका भी उद्धार हो जाए, वो हर मन की इच्छा पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। और आप सभी को भी आशीर्वाद देता हूँ कि आप ज्ञान प्राप्त करें, साधनाएं करें, बिना साधना के उद्धार नहीं होता। जैसा पेड़ लगाते हो इसमें श्रेष्ठता नहीं है, पेड़ को पानी डालकर पाल कर फल आएगा, पालने की जरूरत। अब इसकी आशा भी नहीं करना कि पेड़ के फल मैं खाऊंगा। आप पेड़ लगाते हो तो उसके पशु पक्षी बैठेंगे, वो छायादार वृक्ष पे उस छाया के नीचे बहुत सारे लोग आएंगे, आपके फल आप नहीं तो आपके घर वाले खाएंगे। साधना एक उस वृक्ष के समान है जो फल वाला वृक्ष है। आप आज साधना करेंगे तो उसका फल आपकी पीढ़ी को निश्चित रूप से मिलेगा, आपकी पीढ़ी को उद्धार होगा। यह ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करें। एक बार जय घोष करेंगे और यहाँ समापन करेंगे आज के शिविर का। सभी को फिर भी आशीर्वाद देता हूँ, गुरु कृपा आपको प्राप्त हो, आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो। बड़े बड़े पुण्य सज्जन भगवान की, वंदनीय माता जी की, रुद्रदेव की, सिद्धाश्रम की, सिद्धाश्रम सारे भगवान की। आप सभी को आशीर्वाद है। समाप्त करता हूँ।